और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको एक ही काम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले दिन से प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला कि आप जो टेक्निक से पहले कर रहे थे उसे करते रहिए, अगर वो सक्सेसफुल नहीं था तो वेट कीजिए। इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 20 days टू इंटर इन योर माइंड, मिनिमम 15 से 20 दिन लगेगा। और अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो फिर ट्रेडिंग आपका कप ऑफ टी नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और अगर आपके पास समय नहीं है तब ट्रेडिंग मत कीजिए, धंधा मत कीजिए, व्यापार मत कीजिए। और मैं हमेशा धंधे की बात करता हूँ, व्यापार की बात करता हूँ, ट्रेडिंग की बात करता हूँ। तो एक मैं छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ आप लोग को। मैं लोग कहते निफ्टी गिर रहा है रवि भाई, मैंने कहा कि गिर रहा है तो उसमें भी कुछ है। तो अब वो बोलते हैं रवि भाई क्या है निफ्टी में, तो मैं आपको निफ्टी का पहले दिखाता हूँ। और मैं जो भी बात करता हूँ साइंटिफिक बातें करता हूँ, साइंस की बातें करता हूँ। साइंस के अलावा मुझे ना तो कुछ समझ में आता है, ना तो कुछ दिखाई देता है, और ना तो कुछ सुनाई देता है, सिर्फ साइंस। और जब साइंस की हम बात करते हैं तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। लोग कहते हैं यार ये बताओ निफ्टी गिर क्यों रहा है, मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो एक ही चीज फॉलो करता हूँ। पहला फॉलोइंग, आई विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट वन। डेली अगर निगेटिव क्रॉस ओवर दे दिया तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। ट्रेंड अभी इसका डाउन शिफ्टिंग हो चुका है। एंड इफ यू विल चेक द 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में तो निगेटिव क्रॉस ओवर दिया, कैंडल रेड में बना, और पॉजिटिव दिया था लेकिन कैंडल रेड में बना था। 2 आवर निगेटिव क्रॉस ओवर, कैंडल रेड में, निगेटिव रेड में बना। लेट मी चेक ऑन 1 आवर चार्ट, 1 आवरली चार्ट पे भी निगेटिव क्रॉस ओवर कैंडल रेड में, तो मार्केट का जाना नीचे तय है। वन मोर थिंग वी हैव टू अप्लाई इन टू द चार्ट, कि जब हम बात कर रहे हैं, आप लोग मत लिखिए, आप लोग लिखेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे, तो हमें लिखने का मौका दीजिए, आप लोग को लिखने का मौका मिलेगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक यू। तो हम बात करते हैं अब इससे थोड़ा सा निकलते हैं, और हम बात करते हैं कि निफ्टी रवि भाई नीचे क्यों गिर रहा है। साइंटिफिक बातें, तो साइंटिफिक बात में पहला ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न यहाँ पे बना था। फर्स्ट ड्रॉप बोरिंग रैली पैटर्न वाज ओवर हियर, दिस वाज द पैटर्न, और इससे टच करके निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया। लेकिन जब अब निफ्टी नीचे आ रहा है तो निफ्टी को कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप कहेंगे कोई रोकने वाला नहीं, मैंने ये पैटर्न नहीं है, मैंने कहा पैटर्न तो नहीं है, तो निफ्टी को कोई रोकने वाला नहीं है, तो निफ्टी कहाँ जाके रुकेगा। आप कहते हैं मुझे ऐसे में साफ कहता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम इंडेक्स अंटिल अनलेस योर कैपिटल इज लेस देन 10 लाख रुपीज, स्टे अवे। अब कहते हैं रवि भाई क्या बात करते हो, इंडेक्स से दूर रहेंगे तो लोग तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कमाते हैं। मैंने कहा कि लोग क्या करते हैं, लोगों को फॉलो करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको करना है। तो या तो निफ्टी यहां से एक छोटा सा रिवर्सल देगा। मैं क्यों देगा, साइंस, पूरा साइंस की मैं बात करूंगा, मुझे साइंस के अलावा कुछ भी नहीं आता है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो निफ्टी यहाँ पे आएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे क्यों आएगा, क्या है यहाँ पे। सो आई विल टॉक अबाउट दैट कि निफ्टी यहाँ पे क्यों आएगा। पहला स्टॉप यहाँ पे, तो इस स्टॉप को देखने के लिए डेली के चार्ट पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 2 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं। तो 2 आवर्स के चार्ट पे यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, एंड दैट पैटर्न इज रैली 1 to 2 बोरिंग प्लस रैली, रैली बोरिंग रैली, लेकिन ये पैटर्न सही नहीं है, नहीं चलेगा। तो दूसरा पैटर्न नीचे दिखा मुझे यहाँ पे रैली 1 or 2 बोरिंग कैंडल एंड देन रैली। तो निफ्टी अगर 16,700 आता है तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार वाली बातें नहीं है। दिस इज आई जी जी आई मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी। हम हमेशा मार्केट में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मार्केट नीचे आए तब भी हम खुश है, मार्केट ऊपर जाए तब भी हम खुश है। वी आर 24/7 रेडी इन टू द मार्केट। और अगर आप मार्केट में रेडी नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जो निफ्टी इज 100% मैनिपुलेटेड, मैं आपकी बात को 100% समझने के लिए तैयार। निफ्टी इज 100% मैनिपुलेटेड। एक मैंने 2 दिन पहले अपने मॉर्निंग के क्लास में ट्रेड दिया था आप लोग से भी, मैंने 2 दिन पहले ट्रेड बताया था, सिल्वर। दिस इज द सिल्वर चार्ट, सिल्वर का चार्ट था। लोगों ने कहा यार तबाही मच गई, मैंने कहा भैया मुझे तो तबाही समझ में नहीं आती, तबाही भी कोई भाषा है मार्केट में। लोग कहते हैं यार अभी तुम इतना कूल कैसे रह सकते हो बाजार में, मैंने कहा यही तो सीखना है बाजार में। सडनली मार्केट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। आप देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली आई डिड, मेरा क्या स्टाइल है काम करने का। सडनली मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, सिल्वर का प्राइस, यार लोग कहते हैं गोल्ड सिल्वर को कोई नहीं समझ पाया, मैंने कहा सबको समझ पाते हैं। स्टार्टेड फॉलिंग डाउन फ्रॉम 68,000 एंड केम टू 61,000, 62,000। लोगों ने कहा यार ये तो मार्केट को आज तक जो बनाए वो भी नहीं समझ पाया। मैंने कहा कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं पैसा अच्छा चीज नहीं होता है, वो ही बोलते हैं जो पैसा कमा नहीं पाए।
मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, सीधी बातें करता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो मार्केट जब इतना गिरा तो लोग क्या करेंगे, भागो भागो भागो, तो हल्का मच गया। 7,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट सिल्वर का गिरना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जमुरे यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, और वो क्या है, देयर वाज ए क्लियर पैटर्न द ड्रॉप बोरिंग रैली। जिनको नहीं दिख रहा, अपनी आंखों को देखे, खोल खोल के देखे, समझे चीजों को। और समझने वाली बात है, यू विल हैव टू ट्रेन योर आईज ऑन ट्रेड ओपन। और आप अगर चाहते हैं कि 2 महीने से पहले आपका आंख ट्रेंड हो जाएगा, तो आप गलत हैं। हम चाहेंगे कि नहीं, आई एम रवि आर कुमार, PhD फ्रॉम साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, मैं तो बच्चे 3 महीने में पैदा करके दिखाऊंगा जी, ये इम्पॉसिबल है। सो देयर वाज ए पैटर्न ड्रॉप बोरिंग रैली, एक पैटर्न था। सैम मंसल जी दिख रहा है, एक पैटर्न था। और ये पैटर्न का ये हमारा एंट्री प्राइस, एंट्री प्राइस कैसे करते हैं अभी, और इस पर क्लियरिटी में जाएंगे। और ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस, और सडनली प्राइस आया, टच किया, ऊपर चला गया, 1:5 दे दिया। क्यों दिया 1:5, इसके नीचे क्यों नहीं गया? अगर ये ब्लड बाथ था मार्केट का, मैं मानता हूं इक्विटी मार्केट इज मैनिपुलेटेड, कमोडिटी इज नॉट मैनिपुलेटेड। क्यों हुआ ऐसा? मैंने जिग का भी दिखाया था लास्ट वीक, मैं सब दिखाता हूं। आखिर गलत मार्केट में नहीं काम करता तो व्हाई व्हाई इट इज हैपनिंग? तो मार्केट जब नीचे आ रहा है राजेश भाई, तो उसको कोई बस स्टॉप नहीं मिल रहा है ना। और हमें क्या फर्क पड़ता है, निफ्टी या जीरो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई 0.5% स्टॉप लॉस। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा आपको अपने ट्रेडिंग के जर्नी में, कि कौन सा जोन चलेगा रवि भाई, कौन सा जोन नहीं चलेगा, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू विल फेस। हमारे इसी ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं किसी को भी 10 का नाम सामने ला दूंगा, दे आर मेकिंग मोर देन 200% एवरी मंथ, मोर देन। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके ग्रुप में से 10 स्टूडेंट को सामने लाऊंगा। ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप, और इस टेलीग्राम के ग्रुप में एक छोटी सी बात करते हैं जी। ये एक पेज का बुक है, जिस एक पेज के बुक को हम फॉलो करते हैं, इसी एक पेज पे हमारा सारा साइंस है, और इसी पे आप लोग सारी बातें कर रहे हैं। बात करने के लिए मैं कहता हूं कि आप डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। विदाउट हैविंग अ प्रॉपर डिस्कशन यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिजल्ट। आप ही के इस ग्रुप में सारा क्वेश्चंस मिलता है, आप ही के इस ग्रुप में लुकिंग एट मार्केट कंडीशन एग्जिटेड इंडियन होटल्स ट्रेड पोजिशन 1:2 मैं सारी बातें करूंगा कि क्यों कितना पे निकलना चाहिए, कितना पे निकलना चाहिए। सो हम A to Z पॉइंट की बात करेंगे कि आखिर ये बना तो ये यहाँ से क्यों गया, यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट, हम एक एक पॉइंट पे बहस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक एक पॉइंट पे देखिए, ये है समोनीस कैलाश जी बोल रहे हैं कि डिजन टेकिंग ट्रेड्स इनटू दिस एंड ग्रीन पावर, तो लोगों का अपना अलग अलग व्यू है, तो सब लोग का अपना अपना अलग अलग व्यू है कि हम इस पे निकले, ये हमारा निकला, ये इट हैज ऑलरेडी गिवन 1:3 टेस्टेड नाउ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आपके ग्रुप में ही लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट द बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आप लोग हरी में हैं। अगर अगर साइंस काम नहीं करता है तो व्हाई दिस इज वर्किंग। मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाऊंगा, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, मेरे पास एग्जांपल्स का बड़ा भरमार रहता है हमेशा, क्योंकि मैं मार्केट का ट्रेडर हूँ। मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी बातों को मानूंगा, मैं पहले मार्केट की बातों को मानूंगा, और मैं पहले मार्केट को डिफेंड करूंगा, मैं पहले मार्केट की बात को मानूंगा, उसके बाद ही आपकी बातों को मानूंगा। सेकेंड, अगर आपको याद हो तो मैंने जिंक का ट्रेड बोला था, जिंक का एक ट्रेड बोला था, और जिंक का हमारा ट्रेड था। और ये जिंक का ट्रेड अगर आप देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर देयर, क्या हो रहा है जिंक में, तो जिंक में यहाँ पे 2 ट्रेड था। हमने सबको बोला था कि नीचे वाला ट्रेड चलेगा, क्यों? क्योंकि जब एक साथ 2 ट्रेड हो तो ये ट्रेड टेस्टेड था, ये चल चुका था, तो ये ट्रेड बचा था, रैली बोरिंग रैली। आप समझिए, देयर वाज ब्लड बाथ इन जिंक, नॉट ओनली इन जिंक, नॉट ओनली इन इक्विटी, नॉट ओनली इन कमोडिटी। तो बोरिंग कैंडल के बॉडी के ऊपर हमारा एंट्री लाइन, और बोरिंग कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लाइन। इसमें थोड़ा सा बफरिंग लिया हमने, और 2 आवर्स पे जाएंगे तो नीचे स्टॉप लॉस आता है, मैं आपको दिखा। ये थोड़ा सा इसमें बफरिंग लेके हम लोग ट्रेड करते हैं। सडनली आया, टच किया, ऊपर गया, क्यों गया जी? अगर नहीं काम करता है साइंस को, क्यों गया?
लेकिन द सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, कौन सा जोन चलेगा कौन सा जोन नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज हम आपको संदीप भाई हेलो, ये कैमरा ऑन कराने का एक बेनिफिट, बच्चे सो रहे होते तो दिख जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि, तो ये एक छोटा सा बेनिफिट हमें भी मिलता है, थोड़ा सा प्रिविलेज हमें भी मिलता है, और बदमाशो मुंडी दिखा दो अच्छा रहेगा। सो मार्केट में ट्रेड चलता है, लेकिन ट्रेड चलता है तो इसके पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके बीच से कुछ जोन उठाते हैं, आपके बीच से हम कुछ ट्रेड उठाते हैं और उसी ट्रेड में हम बहस करेंगे। एनीवन रिटेकर्स, नए स्टूडेंट से हम कोई ट्रेड्स नहीं लेंगे। इफ एनीवन इज रिटेकर्स ओवर देयर यू मे रेज योर हैंड, और आपके पास अगर कोई ट्रेड है तो आप मुझे बताइए, हम उसको पूरी तरह से ऑपरेशन नाइट डेमोनेंस करेंगे। अगर मैं अपना प्लांट किया और ट्रेड आपको बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे रवि भाई अपना वाला ही बता देते हो, मैं अपना कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्लान किया और ट्रेड बताऊंगा और आपके प्लान किए हुए ट्रेड पे ही काम करूंगा। तो मुझे आपके तरफ से चाहिए और कंप्लीट चाहिए। सुशांत रेज योर हैंड और पूरा आइएगा, अगर गलत हुआ तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। तो ये डर के साथ, डर के आगे जीत है। सुशांत राहुल आर यू देयर, सुशांत अरे अनम्यूट तो करो अपने आप को, इधर इधर प्रधानमंत्री जी बोल जाते हैं, आप नहीं बोल रहे हो, बताओ सुशांत आवाज जा रही है आपको? यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, नमस्कार सर, यस सर, थैंक यू। चलिए हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको, आपका कौन सा ट्रेड है सर? वीकली सर। चलिए सबसे पहले, अगर किन को जादू देखने का शौक है तो जादू तेरी नजर में, जादू दिखाने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं, आपको जादू दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि मार्केट जो लाइव रहेगा वही दिखा सकते हैं, और आप लोग हमारे Q&A सेशन को मिस मत कीजिएगा। देखिए एक मैं आपको छोटा सा जादू दिखा देता हूँ, दिस इज द चार्ट ऑफ टेस्ला। आप बोलेंगे रही बात, तुम टेस्ला को कि तो पीछे पड़े रहते हो, दिस इज द चार्ट ऑफ टेस्ला। तो टेस्ला में एक छोटा सा पैटर्न बना है, रैली बोरिंग ड्रॉप, देख लीजिएगा क्या होता है, जो खुलेगा उसी को तो दिखाएंगे। मैं कमोडिटी बाजार खुला हुआ वो दिखा सकता हूँ, टेस्ला खुला हुआ वो दिखा सकता हूँ, ये मान लीजिए GBPUSD का मार्केट है, तो बोल रहे रवि भाई ब्लड बात है, कहाँ तक जाएगा? जहाँ बस स्टॉप होगा वहां तक जाएगा, तो इसका बस स्टॉप ढूंढिए कहाँ पे है, तो इसका बस स्टॉप कुछ यहाँ से इसको उठाने की प्रॉबिलिटी है। कैसे प्रॉबिलिटी है? देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मुझे इधर उधर की बातें करनी नहीं आती है। रैली बोरिंग रैली का पैटर्न बना हुआ है और इसी पैटर्न को मार्केट टच करके मार्केट ऊपर जाता है। क्लियर है? सीधी बात करना जानता हूँ, कुछ इधर उधर की बातें, ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है, सीधी बात करूंगा और सीधी, ये लाइव मार्केट है, करेंसी का कमोडिटी का मार्केट लाइव है, इसका मार्केट लाइव है, तो मैं आपको जो भी बातें करूंगा लाइव करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ कि अब तुम नीचे नहीं आ, तो आओगे तो यहाँ टच करके तुम ऊपर जाओ। तो लोग कहते हैं रवि हाउ डू यू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए बंदर को नचाने के लिए आपको समझना पड़ेगा बंदर नाचता कैसे। मार्केट में लाइव बैठ के मैं कभी भी, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं टीम को बोलता हूँ कि $1,000 में तुम्हें दे दूंगा। चलिए हम एक ट्रेड प्लान करते हैं सुशांत, हम प्लान करते हैं कोटक बैंक में। आपको पल्स ट्रेन जोन तीनों चीज समझने के पहले सिर्फ जोन पे मास्टर कीजिए, डोंट नीड टू गो फॉर रियल ट्रेड, गो विद वर्चुअल ट्रेड ओनली। ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ कोटक बैंक, और कोटक बैंक का एक वीकली चार्ट है, समझिएगा चीजों को। और सिर्फ और सिर्फ मैं धर्म की बातें करता हूँ, धर्म के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ धर्म की बातें करता हूँ। तो कोटक बैंक का प्राइस, अब मैं आपको एक एक, एक साइंटिफिक रीजन और दिखाता हूँ, शांत कोई समझ में नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ। जी सर, जी सर, कोटक बैंक का प्राइस यही तक क्यों आया, इसके नीचे क्यों नहीं गया मेरे भाई, इसके नीचे क्यों नहीं गया? पहले इसको समझते हैं, बाद में आपका जोन लेंगे, इसके नीचे क्यों नहीं गया, यहीं तक आके क्यों रुका? आप कहेंगे मुझे तो जोन नहीं दिखा रहा भाई, जोन है सर, मैंने क्या कहा, ट्रेन योर आईज बच्चा, ट्रेन योर ब्रेन,
मुझे तो मंथली चार्ट पे बैठ के एक मिनट पे जोन दिख जाता है, तो आप बोलेंगे कैसे? मैंने कहा लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो। आप बोलोगे रवि भाई लाइन ड्रॉ करना जरूरी है क्या? मैंने कहा लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो एरिया प्लॉट कैसे होगा? ये आपको ट्रेंड करना पड़ेगा अपने आप को। अब इसको थोड़ा सा पीछे जाओ, डेली में चलो, डेली में चलो, डेली में आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो है, देयर इज समथिंग, इसके आसपास कुछ तो है। होल्ड कीजिए, इसके आसपास कुछ तो है। और क्या है, पूरा साइंटिफिक बातें करूंगा कि कोटक यहाँ तक आएगा और कोटक अभी यहाँ से लौटेगा, बिकॉज यहाँ रैली बोरिंग बना हुआ। यस सर, दिस वाज द जॉन सर। आपसे हमने नहीं पूछा, अभी हमने बताया है, अभी हम तो मेरी दिमाग लगा रहे हैं, माफ कर दीजिए। आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि कैसे वीकली चार्ट पे बैठ के आपको आवर्ली पे दिखता है। यू विल हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। अब आप करें कोटक नीचे आएगा, अरे भाव नीचे तो आएगा ही आएगा, नीचे नहीं आएगा तो जाएगा किधर? आप कहते हैं कि सर नीचे क्यों आएगा, साइंस पता ही नहीं है। अरे मार्केट जब तक खिलेगा मिलेगा कैसे? अब ये जोन देखिए, ये जोन आपका 100% क्लियर है, और इस तरह के जोन को हम लोग बोलते हैं ऐश्वर्या, A1, वो हम जोन वैलिडेशन का पार्ट आपको हम पढ़ाएंगे। दिस जोन इज ऑन 1 आवर एज वेल, दिस जोन इज 2 आवर एज वेल। अब कोटक नीचे आ रहा है तो आपके सर में दर्द, अरे यार नीचे क्यों आ रहा है, अरे आने दो ना आएगा। मार्केट जब तक खेलेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। मैं आपको एक ही साइंस बता सकता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे बैठ के लोअर टाइम फ्रेम का जोन कैसे निकाला जाए। निशांत यही जोन था आपका? यस सर, दिस वाज द जोन ओनली सर। बताइए मैंने कैसे ढूंढा? क्लैप सर, क्लैप। विदाउट एनी क्वेश्चन हाउ यू हैव टू प्लेस दिस ऑर्डर। मैं आपको सिर्फ देखिए, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं कोई ब्रोकर तो हूँ नहीं कि आप ट्रेड करेंगे तो मुझे फायदा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडर हूँ, और एक ट्रेडर के नजरिए से मैं आपको बताता हूँ, और जो भी मैं बातें बताऊंगा सिर्फ देखिए मेरे मुंह से सिर्फ धर्म की बातें निकलती, अधर्म की बात हम नहीं बोलते हैं। ट्रेडिंग को अगर कोई कहता है कि ट्रेडिंग गलत है तो दो आदमी ट्रेडिंग को गलत बोल सकता है। पहला, या तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ कर नहीं पाए, या दूसरा बिना किसी रूल बेस्ड ट्रेडिंग को उन्होंने किया। इसके अलावा ट्रेडिंग को कोई गलत नहीं कर सकता। मैं मेरे सामने बोलेंगे तो मैं ट्रेडिंग में हर हाल में आपसे डिबेट करूंगा। सो दिस इज अ ट्रेड। मैं कहता हूं कि अभी मैंने क्या कहा, 3 रूल्स पढ़ना आपको इन योर इंटायर जर्नी। फर्स्ट रूल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड पल्स, सेकेंड रूल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, एंड द थर्ड रूल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द जोन। 3 रूल्स पढ़ना है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आप कहते हैं कि कुछ नहीं पढ़ना, व्हाट डू यू मीन बाय कुछ नहीं पढ़ना? अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जोन पे फोकस करना है। जोन पे अभी 40 से 50 रूल्स आपको बताऊंगा सिर्फ जोन पे, और जब तक आपका जोन 100% क्लियर नहीं होगा। सो ट्रेडिंग कंटेन 3 पावरफुल पॉइंट। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट अनफिल्ड ऑर्डर? What kind of lessons we are using and what kind of application we are using? तो इसी 3 पे तो पूरा ट्रेडिंग टिका हुआ। और जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो पल्स ट्रेंड को कुछ दिन के लिए साइड कीजिए, until unless you are not an expert. So zone में सिर्फ 3 चीज करना है, how to find a zone, how to mark a zone and how to validate a zone. इसलिए मैं आप सबको एक्सटेंड करता हूँ, मिनिमम 15 दिन 20 दिन सबको एक्सटेंड में करता हूँ, सबको। कोई ऐसा नहीं होगा जिनका कि मैं समय एक्सटेंड नहीं किया, मिनिमम। तो हम सबको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट के लिए आपको यू विल हैव टू ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। सो हमें सिर्फ 3 चीजों को पढ़ना है, पल्स ट्रेन जोन, पल्स ट्रेन जोन, पल्स ट्रेन जोन। पल्स ट्रेन को कुछ दिन के लिए साइड कीजिए, पल्स ट्रेन इज वेरी इजी, यू विल हैव टू फोकस। आपकी आंखें काम नहीं करेगी जब आप जोन की बात करेंगे। अभी मैंने आपके सामने चार्ट की बात की, और जब मैंने आपके सामने चार्ट की बातें की, दिस वाज़ द चार्ट ऑफ GBPUSD। मैंने कहा चलो लाइन खींचो, मैंने कहा। तो आप कहते हैं रवि भाई लाइन तो खिंचवा दी आगे। मैंने कहा कि किसमें मजाल जालिम किस छेरे दिलेर को, और गर्दिश में मात देते हैं गिदर भी शेर को। आप कहते हैं ऐसा होगा? मैंने कहा 100% होगा। अब सोचिए सेठ, इस बातों को सोचिए कि रैली बोरिंग रैली बना हुआ है। अब आया, आजा, तुम्हें आना होगा, आएगा, लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। और अगर क्रॉस कर भी लिया तो 0.5% आपका लॉस है। प्रॉब्लम क्या है?
माइंडसेट का प्रॉब्लम है, अरे मैं तो लुट गया रे, बर्बाद हो गया रे। नो, मार्केट को आना होगा, उस लाइन को टच करना होगा, टच करके ऊपर जाना होगा। आपको उस माइंडसेट के साथ बैठना होगा मार्केट में, और ये माइंडसेट लाने में ना आपके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि आप कंप्लीटली बोर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ एक्साइटमेंट। ट्रेडिंग में दायां हाथ क्या कर रहा है बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पापू को पता नहीं चला 4 साल की मैं क्या कर रहा हूं, आया टच किया, चल बेटा ऊपर जा, ऐसे बोलिए मार्केट को। देखिए जैसे बेटा कमांड तो दीजिए, ये देखिए ये आपका बोरिंग कैंडल, ये आपका बोरिंग कैंडल, आप इसको बोलिए ऊपर जा। आप बोलेंगे यार क्या बातें कर रहे हो रवि भाई, नीचे आओ ऊपर जा। देखिए ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जा। मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज 100% साइंटिफिक, कोई मैजिक नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन 100% लॉजिक। और लॉजिक नहीं होता तो ये लाइन में ड्रॉ नहीं करता, ये लाइन में ड्रॉ नहीं करता। देखिए टच किया ऊपर जा रहा। मार्केट को समझने के लिए आपको मार्केट में समय लगाना पड़ेगा। अगर लॉजिक नहीं होता, दिस इज द चार्ट ऑफ सिल्वर, सेम चार्ट, सब कुछ सेम, हमें इधर उधर की बातें करनी नहीं आती है साहब। किसान का बेटा हूं इसलिए, क्योंकि अगर मैं किसी प्रोफेसर का बेटा होता ना तो इतना शायद मैं नहीं बता पाता। तो हम सिर्फ एक ही बातें करते हैं कि अगर ये पैटर्न बना है ड्रॉप बोरिंग रैली का तो ये ही पैटर्न चलेगा। कॉन्फिडेंस, और इस कॉन्फिडेंस में 3 पॉइंट आपको सपोर्ट करेगा। एक चार्ट में दिखाता हूं, and this is the chart of Reliance Industries Limited. Reliance, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको सिर्फ मैं ट्रेन कर रहा हूँ। मैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस भर दूंगा, इतना एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा कि आप सब परेशान हो जाएंगे, इतने एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे कि अभी तो आप अभी आपका मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला अभी तक सुर नहीं बना है ना। तो मैं कहता हूँ कि चलो जी ये मार्केट तो है, नीचे आ रहा है, कहां तक आएगा, होल्ड कीजिए। मार्केट नीचे आ रहा है, कहां तक आएगा, क्या बात है सेठ, मजा आ गया। ये ड्रॉप बोरिंग रैली, अगर साहब जी यहां तक आ रहा है तो आपके सर में दर्द क्यों, अगर यहां तक आ रहा है तो आपके सर में दर्द क्यों, आने दीजिए ना। ये एनफील्ड ऑर्डर कैंडल है, और ये एनफील्ड ऑर्डर कैंडल में आके टच करके ऊपर जाएगा। आपको कहेंगे इस एनफील्ड ऑर्डर कैंडल में बॉडी नहीं है, इसमें इंडिविजुअल बॉडी है। मैं आपको सब दिखाऊंगा, मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर भूल चुक से ये लाइन आया था, ये लाइन, तो आप मार्केट में जाइए और इसको आप पहले, मैं क्या कहता हूँ, पहले आपको कोई थ्योरी, कोई थ्योसिस पढ़ने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग। आपको तो ये क्या बात हुई भाई, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग, बिना पढ़े आ जाएगा जी। सबसे पहले बुक्स पढ़ना बंद कीजिए, न्यूज देखना बंद कीजिए, निफ्टी को ट्रैक करना बंद कीजिए, नहीं कुछ कर सकते हैं आप। कुछ नहीं उलझे, मार्केट यहां तक आया, यहीं से वापस क्यों गया, मार्केट से क्वेश्चन पूछे, अरे इधर आ तुम, यहीं से वापस क्यों गया, तो बोलेगा अरे भैया जी यहाँ पे एक जोन था। और मार्केट इतना अच्छा सबको जवाब देगा, यू विल लाफ, यू विल एंजॉय। और जब इसमें चलेंगे, देखिए यहाँ पे अनफील्ड रोड रैली 1-2, मार्केट 100% साइंटिफिक है। तो जब आप मार्केट की बात आप कर रहे हैं, सो दिस इज द 1 आवर चार्ट, तो यहाँ पे अब आप कहेंगे रवि भाई ये अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल कैसे हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं कहता हूँ एक छोटा सा साइंस अप्लाई करो, सिर्फ वॉल्यूम, एक चीज दिखाऊंगा, अभी तो मल्टीपल चीजें सिखाना है मुझे, मैं सिर्फ एक वॉल्यूम की बात करता हूँ आपको। सबसे ज्यादा जो मैं पकाऊंगा वो वॉल्यूम, वो ट्रेडिंग में पकाऊंगा, मीन्स जोन वैलिडेशन में। तो दिस इज अ फील्ड कैंडल, वॉल्यूम यहाँ पे आता है, आप लोग दोबारा देखें, वॉल्यूम यहाँ पे आता है, दिस इज द वॉल्यूम। मैं आपको एक दिखाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफिल्ड। आपका कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, लोग कहते हैं कि यार मैं तो एल्गो ट्रेडिंग कर लूंगा, सर ये किसी और को जाकर समझाइएगा। जो ट्रेडर होंगे अगर एल्गो ट्रेडिंग से चलता है, मॉर्गन स्टैनले के ऑफिस में अभी भी लोग मैनुअल जोन ढूंढ के ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक ट्रेडिंग में होता है कि दिस इज योर फील्ड कैंडल। फील्ड कैंडल का वॉल्यूम कितना है साहब, 1.822 मिलियन। दिस इज योर फील्ड कैंडल, कितना वॉल्यूम है साहब,
6.187 मिलियन, और कम से कम इसका तो हाफ, इससे हाफ के हाफ वॉल्यूम होना चाहिए उसपे। इसपे जाए वॉल्यूम कितना, सिर्फ 418। क्या हुआ? मींस प्रोफेशनल्स वर सिटिंग ओवर देयर और वो खरीद ही नहीं पाए। दोबारा प्राइस आएगा और दोबारा टच करके ऊपर जाएगा। जोन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर जोन में आप दिमाग नहीं, ओए विदाउट बिग था श्याम भाई, तभी तो हमने वॉल्यूम से उसको किया। एक और साइंस में डेप्थ में पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। तो TR-ATR जोन वैलिडेशन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर इंटायर कोचिंग। जोन वैलिडेशन, जो जोन वैलिडेशन सब कुछ है। जोन मार्किंग तो कोई भी सीख लेगा, दैट इज अ गेम ऑफ 1 आवर, बट जोन वैलिडेशन इज अ गेम ऑफ एटलीस्ट 10 टू 20 डेज मिनिमम लगता है जोन वैलिडेशन में। मैं आपको छोटा सा चार्ट दिखाता हूं, होल्ड कीजिएगा। मैं आपको छोटा सा चार्ट दिखाता हूं। जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हम आपको 14 पॉइंट्स जोन को 14 पॉइंट्स वी विल यूज 14 पॉइंट्स टू वैलिडेट अ जोन। 14 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। यही तो पहले आपको जोन समझ में आ नहीं रहा है, जोन आप दिखने देख के पहचान नहीं पा रहे कि जोन है या नहीं है। एक मिनट के चार्ट पे आपसे प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा है। सो हाउ यू विल वैलिडेट, तो हम सारा बताएंगे। 1, 2, 4, 25x, मल्टीपल टाइम फ्रेम, चिलियर पैटर्न, TR, वी विल टॉक अबाउट वाइट एरिया, 3 लेग आउट पैटर्न। तो हमें सारा पैटर्न आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है जोन वैलिडेशन में लगाना है, एंड जोन वैलिडेशन बहुत आसान है, बट इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। जो आसान काम होता है ना उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है और आपको थोड़ा सा समय लगेगा। जब समय की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं रवि कितना समय लगेगा। अगर आप 1 आवर प्रैक्टिस पर डे करते हैं, अगर आप 1 आवर प्रैक्टिस पर डे करते हैं तो इसमें जो समय लगेगा, आप लोग को ताली बजाने बोलूंगा, और ताली नहीं बजाएंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ क्या कॉन्फिडेंस होता है मेरा बाजार में। मैं वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं कर पा रहा हूं तो आपसे क्यों नहीं होता? कुछ अलग बताया मैंने आपको, या मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूं? आपके सामने ड्रॉ किया लाइन, जमुरे नीचे आ, जमुरे ऊपर जा। Why you are unable to do it? इसका एक साइंस बताता हूं। मैं आज बहुत ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरी एनर्जी 20.5 घंटे की एनर्जी मेरी जूम ने खा ली। Is it interesting? Is it? Isn't it? हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पहले लिखे को फारसी क्या। पब्लिक चैट करेंगे तो सबको मजा आएगा, पब्लिक चैट करेंगे सबको मजा आएगा। मैं लाइव करके दिखाता हूँ, मुझे ये नहीं आता कि ये होगा, ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग राइट नाउ। अगर नहीं हो पा रहा है, आई एम विद यू। हाथ जोड़ के छोटे भाई की तरह विनती करता हूँ, प्लीज 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 मेरी बातों को मानिए, थोड़ा सा समय दीजिए, आप भी कर पाएंगे। इफ यू आर इन हरी, ट्रेडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। समझिएगा एक चीजों को, एक साइंस को समझिए। ये यहां तक आया, इस लाइन को ब्रेक क्यों नहीं किया? पैटर्न इज क्लियर, साइंस इज क्लियर, लाइव मार्केट में कहीं भी ढूंढ के एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, and if you will you are not able to do practice, you won't be able to become 100% successful। aur aap sirf do kaam karenge, Ravi R. Kumar ka naam badnaam karenge। to market mein ek Shyam ji ka question aaya aur unka main answer deta hu। Shyam ji ka question hai, sir how do you define digital line? Shyam, अच्छा मैं टॉपिक लोग सब बताते हैं। श्याम जी का क्वेश्चन था कि रवि सर, मैं आपको रखता हूँ, लाइन पे रखता हूँ कि सर हाउ डू यू डिफाइन डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन कैसे डिफाइन किया? सर आपने मेरे बाइबल को नहीं पढ़ा, अब मैं बाइबल खोलता हूँ। बाइबल खोलो। हाँ जी सर बिल्कुल। तो बाइबल पढ़ा हुआ टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को खोलना पड़ेगा। और सर थोड़ा सा ब्लंट आदमी हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, दिल का बड़ा सीधा हूँ मैं।
सर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त ऐसा मेरा बोलते हैं कि रवि तुम ठीक ठाक आदमी हो, मेरे सब क्योंकि आज तक किसी से संबंध खराब हुआ नहीं, वो गाली भी देता सुन लेता हूँ। तो हमने टेलीग्राम ग्रुप शेयर हो रहा आपके सामने। यस सर, नहीं सर दिख रहा है सर, बाइबल हमारे सामने है, ये बाइबल दिखा सर। सर ठीक है, तो दिस वाज अ पैटर्न ऑफ रैली बोरिंग रैली, हाँ या ना? यस। तो रैली बोरिंग रैली में पोस्टमैन लाइन था हाईएस्ट बॉडी इन द बोरिंग कैंडल, ठीक है सर। यस जब हाई, तो मैंने क्या कहा एक ही बुक तो फॉलो करना, लेकिन इसमें बहुत गुर है। तो हाईएस्ट सर हाँ सर सर ठीक है सर। सर अब जो सर ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन अब क्लियर हुआ, ठीक है। लेट मी कंप्लीट। देखिए सर, मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे पास आने पर आधी बीमारी भाग जाती है। एंड डिस्टल लाइन इज द लोएस्ट लो इन द पैटर्न एक्सक्लूडिंग लेगिन। सो इनटू दिस पैटर्न, इनटू दिस चार्ट, दिस इज द लोएस्ट लो। लेगिन को छोड़ देना, तो लोएस्ट लो क्या हुआ, ये लोएस्ट लो हुआ। प्राइस आया, टच करके ऊपर चला गया। सर अब समझ में आया ना सर? सर वो थोड़ा नीचे था ना, थोड़ा नीचे था ना, तो कंफ्यूजन हो रहा था कि कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हो गया, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना था। थोड़ा सा बफरिंग लेते हैं हम, थोड़ा सा बफरिंग लेते हैं। ये बफरिंग भी आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए सर, हर दिन आज मैं क्यों आपसे इंटरेक्टिव सेशन कर रहा हूँ, हर दिन मैं एक तरफा बोलता हूँ ना, इसलिए सेशन में मीटिंग मोड में कर रहा हूँ ना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि बीमारी कहाँ है, इलाज यहीं से होगा। समझिए चीजों को। तो आखिर अगर नहीं साइंस काम किया तो ये क्यों काम किया? और जिस रिलायंस के चार्ट पे थे हम, उस रिलायंस के, श्याम जी अपने आपको म्यूट मत कीजिएगा, अभी रहिए, क्योंकि आपके आपने जो क्वेश्चन पूछने की लोग हिम्मत नहीं करते हैं। अरे मैं तो बैक वेंचर हूँ, मैं इसमें एक आंसर आपको और देता हूँ, यू विल लव इट, बहुत मजा आएगा, आपको भी आएगा मुझे भी आएगा, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है श्याम भाई? करेक्ट है। इसी का डिजिटल लाइन का एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, डिजिटल लाइन का। और वो एग्जाम्पल मैं अभी किस पे ट्रेड लेने के बोला मैंने आपको, रिलायंस पे। रिलायंस पे मैं सर, देखिए कोई थ्योरेटिकल आदमी तो हूँ नहीं, दलाल आदमी तो हूँ नहीं कि जी आप ट्रेड करेंगे 2 रुपए दलाली मिलेगा, इसलिए ब्लंट हूँ सर, सीधी सीधी बात करता हूँ। और सिर्फ आपसे नहीं, मैं सरकारी महकमे में भी इसी तरह से बात करता हूँ। मुझे मेरा शादी और बच्चे वाला एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, पेटेंटेड है मेरा, लोग ये जानते हैं कि जो रही बात करेगा शादी बच्चे का जरूर बात करेगा। आपका क्वेश्चन डिजिटल लाइन का था ना सर? हाँ सर बिल्कुल, उसी रिलायंस के चार्ट पे। क्या ये रैली बोरिंग रैली का पैटर्न था? सर यस करेक्ट, ये आपका डिजिटल लाइन। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली यस। मैं 10 एग्जाम्पल देता हूँ, पैटर्न शुड बी क्लियर सर। सर पैटर्न क्लियर है, हाँ डिजिटल लाइन भी यहाँ पर सेट। सर ये बफरिंग सर कैसे ले रहे हैं हम सर? वो हम सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको अभी, तो आपको अभी सिखाएंगे। बहुत सारे लोग जो 3 महीने पहले वाले हैं, 3 महीने पहले उन्होंने बफरिंग पढ़ाया था, इधर वाले में आपको भी अगले महीने बफरिंग पढ़ाऊंगा। पहले जोन तो आंखों को तो ट्रेंड कीजिए, इसको छोड़िए, ठीक है ठीक है। सर टाटा स्टील का चार्ट है, ठीक है सर, क्वेश्चन पूछिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कोई वो तो होने की क्वेश्चन पूछने भाग जाऊंगा, मैं तो क्वेश्चन लव। अच्छा नहीं क्वेश्चन होता तो आज अच्छा, अब वापस इस पे आते हैं सर। पैटर्न क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है सर। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मेरा एक बुराई है, मैं 10 क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, 1 क्वेश्चन लूंगा, स्ट्रेच करूंगा उसको। सर कोई इशू नहीं है सर, अच्छा क्लियर सब्जेक्ट क्लियर होगा अच्छे से सर। ये प्रॉक्सिमल लाइन होगा सर, कैंडल बहुत छोटा होता है ना, तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसके पूरा ले लीजिए इसको, अगर कैंडल बड़ा है तो बॉडी पे लीजिए, ठीक है? ठीक है, बॉडी के ऊपर हमने लिया इसका एंट्री पॉइंट, सही है? ठीक है करेक्ट। और हमने क्या कहा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट, ठीक है। आया, टच किया, परफेक्ट। आई होप योर डिजिटल लाइन इज मोर क्लियर नाउ। इन केस ऑफ आरबीआर, डीबीआर में क्या करते हैं, सारे पैटर्न के निचले पॉइंट में डिजिटल लाइन लेते हैं, करेक्ट है। ठीक है सर, वो जो सर एक्चुअली सर, सर मुझे 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 कंप्लीट करने दीजिए ना। हाँ, आपको आपका क्वेश्चन ही नहीं बचेगा ना। हाँ ठीक है। ये हमारा चार्ट था सर टाटा, ये हमारा सिल्वर का चार्ट है, एक पैटर्न लाइव पैटर्न बना हुआ है, इसलिए मैं उसको दिखाऊंगा एग्जांपल। अच्छा आप लोग को मजा आ रहा है सब लोगों को, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ आपके लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं आज उस मोड में नहीं हूँ कि मैं बोले जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ बच्चा मजे लेते रहो, नहीं, आई एम इनटू यू, मैं आपके लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ हमेशा। चलिए ठीक है,
एक और चलिए, सो ये हमारा एक सिल्वर का ट्रेड है, हमने हम सिल्वर के मिनी डॉट में सबको ट्रेड करने की सलाह दी है, समझिएगा चीजों को ठीक है सर, जब तक समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले 4 बोरिंग कैंडल तक हम ले सकते हैं, ओके, और सिल्वर में वीकली या डेली ट्रेड लेने के लिए 4 आवर्स का चार्ट हम लेते हैं, ठीक है, उसका साइंस थोड़ा सा अलग है, मैं सिर्फ जोन पकड़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या पैटर्न, हमारा 100% इसका क्लियर है, ड्रॉप बोरिंग रैली, ठीक है। तो क्या कहता है, प्रॉक्सिमल लाइन शुड बी हाईएस्ट बॉडी इन बोरिंग कैंडल एंड डिस्टल लाइन शुड बी लोएस्ट लो इन द पैटर्न, लोएस्ट लो इन द पैटर्न, एक ही क्लाइंट सर, ये एक पेज का नहीं है सर, इसको एक पेज को आपको देने में ना मुझे कई वर्ष लगे, दिस इज नॉट द बुक ऑफ वन पेज, इसे एक पेज को बनाने में बहुत समय लगे। तो ये हमने क्या प्रॉक्सिमल लाइन, करेक्ट, ठीक है, और ये हमने किया डिजिटल लाइन। सोचिए कि 7-8 हजार पॉइंट चांदी गिरता है और इसमें हमारी चांदी होती है, तो आया आखिर कुछ पॉइंट से ब्रेक क्यों नहीं किया, मुझे बताइए। अगर आप इसको इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते तो आपका स्टॉप आउट होता, बोलते रवि भाई रूल्स काम नहीं करता है, जोन नहीं चलता है। उन चारों के एक एक पॉइंट पे बड़ा गौर से काम करना है, बड़ा गौर से, उसमें एक एक शब्द का मतलब क्या है ना आप समझ नहीं पाएंगे, मैंने जितना डेप्थ से उसमें एक एक शब्द दिखा है, यहाँ ईच एंड एवरी वर्ड काउंट्स, इसमें ये लेग आउट है, ये बोरिंग है और ये लेगिन है। जब लेग आउट बोरिंग लेगिन कैंडल होता है तो लेग आउट का काम होता है कि ये टारगेट डिफाइन करता है, कितना टारगेट मिलेगा, मतलब आते ही इतना टारगेट तो मिलेगा, पहले से डिफाइन है कि भैया इतना तो मिलेगा टारगेट, आते ही मतलब इतना तो ऊपर जाएगा। बोरिंग कैंडल का मतलब होता है कि अनफिल्ड ऑर्डर होता है और लेगिन उसको रोक के रखता है, रुको, मतलब नीचे जाने से रोकता है, तो आया और इतना दिया, ये सब बताऊंगा, इसको बोलते हैं एक्सेल की एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स, ये सारा टूल्स बताऊंगा मैं आपको। अब एक ही दिन में अभी तो शादी की बात छपी है, कार्ड छपा है, अभी जानिए बात की, जानो तुम्हें क्या पसंद है, जानो तुम्हें क्या पसंद है, डे वन यू आर ट्राइंग टू कि मैं तो आ रहा हूँ, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल, अभी एक दूसरे को जानिए। तो मार्केट का रूल्स बड़ा सिंपल है, हम लोग ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, और अगर रूल्स सिंपल नहीं है तो रूल्स चलता क्यों है, और मैं किसान का बेटा हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमें पिताजी ने ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, हम बड़े कम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं जी, बहुत कम, और हम जितना भी अंग्रेजी जानते हैं इससे हमारा काम बड़ा सॉलिड चलता है। और आपको मैजिक दिखाऊं मैं, यू विल बी टोटली सरप्राइज्ड कि रवि भाई कैसे होता है। हम लोग अभी इस चार्ट पे फोकस कर रहे थे, एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स, तो इसका लेग आउट यहां तक था, तो यहां तक तो टारगेट मिलना था, इसलिए हमने इसको यहां तक ड्रॉ किया, हमने एरो को यहां तक ड्रॉ किया था, एक एक पॉइंट पे हमने मेहनत किया है। आप किसी ब्रोकर से बात नहीं कर रहे हैं, किसी एडवाइजर से बात नहीं कर रहे, किसी टीचर से बात नहीं कर रहे, आप ट्रेडर से बात कर रहे हैं। तो अगर रवि आर कुमार का पूरे वर्ल्ड में 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी, तो पीप हो पगला हूं मैं जो कि पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। आपके सामने एक ग्रुप में कल मैसेज गया होगा कि मैं SNDT यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेहता साहब वहीं पे हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो ये सब बुला रहे हैं सर, करोड़ों देंगे, लेकिन वो सब डोनेशन में जाएगा। आपको बता दूं कि अगले महीने तो मैं अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी फीस भी नहीं ले रहा हूँ, सब रवि आर कुमार फाउंडेशन में जाएगा, सब एक A to Z पे सब फाउंडेशन को जाना है। अगर नहीं रूल्स काम करता तो क्यों काम किया, मुझे बताइए। और अगर यहाँ से जंप गया, छोड़िए रैली बोरिंग रैली को हटाइए, क्यों ऊपर गया, उसके अलावा दूसरा नियम मुझे बताइए मुझे दूसरा नियम। आई एम हेयर टू अंडरस्टैंड, जो भी आप बताएंगे मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझने को तैयार हूँ, और साइंस में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, चार थ्योरेटिकल भी दिया, चार पिछला एग्जांपल भी दिया, और चार प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया, करेक्ट, क्या चाहिए, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग, करेक्ट करेक्ट। देखिए बंदर का जब खेल होता है तो सबको मजा आता है, लेकिन एक चीज, अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो मैंने कभी हाथ नहीं जोड़ा आपके सामने, मैं हाथ जोड़ता हूँ,
बिकम अ गुड ट्रेडर बन जाएंगे आप, ग्रेट ट्रेडर बनना है तो चेहरे पर बदमाशों वाली मुस्कान रखनी पड़ेगी। आप किस स्थिति में भूल जाइए, आपके सामने मैंने लाइन ड्रॉ की, आपके सामने मार्केट ऊपर गया, इससे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं क्या दूं आपको? कुछ है तो बताइए, जो मैं बता रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है मेरे पास। जी रजेश भाई, आपका भी कुछ इसमें से है तो बताइए। जी प्रणाम सर। सर पूछना था कि सर जैसे कि हम लोग यहाँ डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल खींच दिए, तो मार्केट तो ऊपर जाके नीचे आएगा, टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो उस पीरियड में सर हम लोग पॉजिटिव कैंडल क्यों सर मार्क करते हैं कि हाँ ये क्लोजिंग? वो कुछ दिन के बाद, पहले आप जोन ढूंढना सीखिए। सर जोन ढूंढे हुए थे कोटक का, हमारा टारगेट भी सर मतलब हुआ, लेकिन उतना सर नहीं, 5 नहीं हुआ, 3 हुआ, तो वहां से फिर सर माइनस में चला गया सर। तो अप्रोक्स सर कितने कितने मिनट के चार्ट पर ट्रेड किया था आपने? सर 1 आवर के चार्ट पर सर। सर अभी बहुत कुछ होगा, अभी होने दीजिए जी। अभी तो आप बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार उठेंगे, ठीक है? तो मैं ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आर यू एंजॉयिंग? यस सर। आप कीजिए मत कीजिए, इस बच्चे को ट्रेडर जरूर बनाइए, अगर आपसे नहीं संभलता है तो मेरे घर भेज दीजिए, मेरे पास दो बंदर हैं। और आपको लगता है मैं अकेला हूँ? जरा मैं अकेला नहीं रहता हूँ सर, यहाँ मेरे सामने क्लास बैठी होती है, देखिए सर मेरे सामने क्लास बैठा हुआ है, तो मैं मेरे सामने पूरा क्लास बैठा हुआ है, तो सारे क्लासेस को मैं सिखाता हूँ बच्चा, तो ये लोग सामने बैठ के हमारे सामने बैठ के ट्रेड करते हैं। तो मेरे दो छोटे छोटे के बैठे हुए हैं, मेरी प्रियल प्रभी बैठे हुए हैं, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे को मैं ट्रेड सिखाता हूँ, और ये इतना आसान नहीं है, इसमें कान से धुआं निकलेगा 3 महीने में। एक बार मन करेगा गिव अप कर दो, लेकिन गिव अप नहीं करना है किसी भी सूरत में, आपने कर दिया तो आप गलत है। नाउ सो मैं आपको कुछ छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, मैं सिर्फ रिपीट करूंगा, और रिपीटेशन के बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन मूव फॉरवर्ड, कैसे कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा कि हम लॉजिक को समझिए। लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल? अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल का लॉजिक ये है कि प्रोफेशनल, मैं मल्टीपल टाइम समझाऊंगा, एक बार समझ में आएगा, दैट प्रोफेशनल नेवर मॉडिफाई देयर ऑर्डर्स, और हमें उस अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल को समझना है कि उस कैंडल पे प्रोफेशनल्स खरीदना चाह रहे थे लेकिन वो खरीद नहीं पाए, तो उनका कहना है कि जब भी मेरे प्राइस में आओगे तभी हम खरीदेंगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, जो भी हमने ट्रेड किया, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि हमें तो टारगेट यहां तक लेना था, क्योंकि हमें टारगेट यहां तक लेना था, प्राइस तो ऊपर गया, और अब ये क्या करेगा, अब हमें क्या लेने देना, अब तुम क्या करोगे, हमें अब लेना देना नहीं है। वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट, मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, हमें नहीं लेना देना। अगर आप बात करेंगे निफ्टी बैंक की, बात करेंगे, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक। लोगों का एक कहना है, आई लव दैट स्पेसिफिक स्टॉक, मैं कहता हूँ मुझे प्यार नहीं है, मुझे एक ही प्यार है, जो नियम को फॉलो करेगा उससे प्यार। तो निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए तो ये गिरता जा रहा है, तो बोलते रही भाई हमें डेली फोन आता, बता निफ्टी किधर जाएगा, हमने कहा जी हम तो व्यापारी हैं, किधर भी जाए हम तो कमा के निकलेंगे, तो बोलते हैं तुम तो खुद कमाते हो, किसी को बताते नहीं हो। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको भी दिखा सकता हूँ, मछली बताऊंगा कि हाँ मछली पकड़ के कभी नहीं दूंगा, चाहे आप कितना भी मेरे प्रिय क्यों ना हो, मैं मछली पकड़ के कभी नहीं दूंगा। तो ये निफ्टी बैंक गिर रहा है, तो लोग कहते हैं रवि 36,000 तो आ गया, कहां तक तुम्हारा व्यू? तो बिना कुछ देखे अगर मुझे निफ्टी बैंक को खरीदना हो तो मैं निफ्टी बैंक को खरीदूंगा 32,000 पे। अब बोला पागल हो गया है क्या 32,000 पे? हमने कहा जी। तो बोलते तुम्हें क्या दिखा? मैंने कहा मुझे दिखा जोन। बोलते दिखा मुझे भी। मैंने कहा तो आज दिखाता हूँ। तो आपको नहीं दिखा क्योंकि आपकी आंखें अभी इतनी ट्रेंड नहीं है, मेरी आंखें ट्रेंड है, तो मुझे दिखा। तो बोले कि और क्लियर पिक्चर दिखाओ, तो उसमें और माइक्रोस्कोप को हमने और क्लियर किया, तो आपने, मैंने कहा दिखा, आपने कहा जी कुछ कुछ तो देखना शुरू हो गया रवि भाई, ड्रॉप बोरिंग रैली दिख रहा है। मैंने कहा और क्लियर करूं, लेकिन इसको क्लियर करते करते इसके ठीक ऊपर भी एक जोन है,
तो एटीआर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, और देखिए जून तो मतलब मार्केट अभी ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन इसको बीच में कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, जब बीच में कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ तक तो आएगा ना, और यहाँ तक तो आएगा ड्रॉप बोरिंग रैली 33,413। आपको आप सच्चाई से तो नहीं भाग सकते कभी। आप बोल रहे चलो सेंसेक्स कहाँ गिरेगा, दिस इज द चार्ट ऑफ सेंसेक्स, सेंसेक्स का चार्ट है जी, तो सेंसेक्स किधर जाएगा रवि भाई जरा बताओ। मैंने कहा सेंसेक्स जाएगा कहाँ, आएगा तो बोलते हैं यार जब मार्केट गिरता है दुनिया रोती है तुम हंसते हो, तो हमारे ग्रैंडफादर एक कहावत कहा करते थे, बेटा जब तू आया जगत में तुम रोए जगह से, और करनी ऐसी कर चलो तुम हाथ से जग रोए। और मैं कहता हूं यहाँ पे दिस इज द चार्ट ऑफ, दिस इज द चार्ट ऑफ सेंसेक्स एंड दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स निफ्टी में सिमिलरिटी क्या है कि नीचे वाला पार्ट दोनों जगह क्लियर है, सेम चार्ट मिलाइएगा 100% सेम है, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड दिस इज द चार्ट ऑफ सेंसेक्स। लोग कहते हैं कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है, मैंने कहा मैं सिखाता हूँ आइए ना, तो कोरिलेशन में निकाल के देता हूँ कि अगर यहाँ से फिसला तो यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा और तोड़िए भाई साहब इसे, जब सो ब्रेक करेंगे इसके हड्डी को तो पता चलेगा कि रैली बोरिंग रैली यहाँ बना हुआ है और यहाँ तक मार्केट आएगा। आपको आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट दिखाता हूँ, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर। लोग कहते हैं कि यार मार्केट को समझना मुश्किल है, मैंने कहा कि शादी के कितने साल हुए तो 10 साल, श्रीमती जी को समझ पाए हो नहीं, मैंने कहा पहले उन्हें समझो आप फिर मार्केट को समझना। तो मार्केट में जोन चलता है, और आप सिर्फ 15 मिनट पे चलिए, मैं नहीं कहता बहुत बहुत बड़े जोन पे चलिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अभी आप जोन मार्किंग सीखिए, और अभी अभी आपको कैश लगाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल ट्रेड, ओनली वर्चुअल ट्रेड। यहाँ पे कहीं कुछ है ही नहीं, रुकेगा कहाँ पे मार्केट को, अब रुकने की बात करें बस स्टॉप ही नहीं है, बस रुकेगी कहाँ पे, ट्रेन कहाँ पे रुकेगी, और नहीं है तो जिस तरह से जब हम बात किए जीबीपीएसटी का बात की, जब जीबीपीएसटी का हमने बात किया तो जीबीपीएसटी को आप ऊपर रोकना चाह रहे थे, तो ऊपर कैसे रुकता, आप फिर कहाँ गया, हमें मतलब नहीं, हमारा जो टारगेट था हमारा काम पूरा हो गया। तो जीबीपीएसटी को आप जब जीबीपीएसटी यहाँ से नीचे चलना शुरू हुआ, जब यहाँ से जीबीपीएसटी नीचे चलना शुरू हुआ तो आप इसको रोकना चाह रहे थे, अरे यहाँ पे खरीद लो, ग्रीन कैंडल बना लो बना लो बना लो, इसको फाइनली यहाँ तक आना था। और लोग समझ नहीं पाते हैं, सिंपल चीजों को समझ नहीं पाते हैं। दिस इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, और ये समझना पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं समझते हैं तब भी समझना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करता हूं, द पीपल फ्रॉम दिल्ली, और पब्लिक चैट में टाइप कीजिएगा, टुमारो इज सैटरडे, और हमारा हर सैटरडे चाय पे चर्चा होता था, हमने बंद कर दिया, हम किसी से कुछ लेते नहीं थे। कल 3:15 to 4 PM 3:15 to 4 PM होटल सूर्या, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, 5-star होटल है, उसमें मैं चाय पे चर्चा के लिए आप लोग को इनवाइट करता हूँ। जो नाम दे के नहीं आएंगे उनके ऊपर पेनाल्टी है, पेनाल्टी है कि आगे सारे क्लास में ब्लॉक कर दूंगा। आप लोग की गलती की वजह से हमारा सीट खाली रहता है, मैं पैसे नहीं लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम लिख के नहीं आएंगे। ओके, सो कल हमारा एक चाय पे चर्चा है होटल सूर्या, उसका डिटेल्स अभिषेक ग्रुप में डाल देंगे, और जो भी आना चाहते हैं उसमें अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज गुड फॉर एवरीवन। वो उसमें अपना नाम डाल दीजिएगा, अभिषेक लिस्ट में नाम लेंगे, 10 लोगों का कैपेसिटी है, अभिषेक अभी क्लास के बाद डाल देंगे। ठीक है, और उसमें जो लोग आना चाहते हैं दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम इन होटल सूर्या, और हम उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप नाम लिख के नहीं आएंगे तो आप पे पेनाल्टी लगेगा, बिना नाम लिखे आएंगे तब भी पेनाल्टी लगेगा, तो आपको हम एंट्री नहीं देंगे। सो बिना नाम लिखे लोग आ जाते हैं उसमें हमारी बेइज्जती होती है, सो क्योंकि हमारे पास लॉजिस्टिक उस लेवल का नहीं होता है।
सो मार्केट में आपको अगर ट्रेड करना है तो मार्केट में ट्रेडिंग का कुछ रूल्स है, और उस रूल्स को जब तक हम 100% फॉलो नहीं करेंगे तब तक मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो मैं हमेशा बताता हूँ, नेवर ट्रेड इनटू जो भी स्टॉक 3 साल से पुराना, उसमें ट्रेड मत कीजिए। आईपीओ में लोग कहते हैं रवि आई हैव मेड मनी इन आईपीओ। आईपीओ में पैसा कौन बनाता? नेवर ट्रेड इन इंडेक्स मूवमेंट स्टॉक। इंडेक्स मूवमेंट स्टॉक्स किसको बोलते हैं? इंडेक्स मूवमेंट का मतलब ये होता है कि निफ्टी को आज के डेट में ये फलाना स्टॉक मूव करेगा। मैं कहता हूँ कि आईपीओ मत ट्रेड कीजिए। अभी मैं रिसेंटली 10 आईपीओ का एग्जांपल लूंगा, 10 से ज्यादा आईपीओ का मैं एग्जांपल लूंगा रिसेंटली, और इस आईपीओ में आपको मैं दिखाऊंगा एक्जेक्टली इसका गेम क्या है, आईपीओ का गेम क्या है। तो रिसेंटली मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ पेटीएम का, ये ऊपर गया नीचे गया हमें मतलब नहीं, वी आर नॉट स्टिक इन टू डायरेक्ट स्पेसिफिक थिंग, ये डेली चार्ट है पेटीएम का। तो पेटीएम ऊपर गया नीचे गया अभी तो अच्छा चार्ट भी इसमें बना नहीं, तो हम हाउ वी कैन डिसाइड इसमें हमें व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक दिन में स्टॉक कल ये 17% ऊपर था, 15% ऊपर नीचे हो रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। जब बर्गर किंग का आईपीओ आया, जिस आईपीओ बर्गर किंग का आईपीओ आया, तो बर्गर किंग के आईपीओ में जब आया तो बड़ी हलचल थी बाजार में, बड़े हलचल। पहला 2 दिन प्रोफेशनल्स मार्केट में इंटर किया, आपका पैसा लेके गए 213 तक, वापस 152 पे लाके आपको छोड़ दिए। जब रेलटेल का आईपीओ आया, आईपीओ में ट्रेड करने से रेलटेल का आईपीओ आया, हमने हमारे दोस्त ने अपने पूरे रिटायरमेंट का फंड लगा दिया, और ये लगाया था 180 रुपीज के रेट में, अभी भी करो निकल जा भाई, तो कहता ना पैसे लगे हुए हैं, तो इसमें चार्ट ही नहीं बन रहा है। सो हाउ एग्जैक्टली यू विल ट्रेड इनटू सच काइंड ऑफ आईपीओ? और आप क्या कहेंगे, जब उज्जीवन का आईपीओ आया, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक चल रहा था, तो उज्जीवन का जब आईपीओ आया तो लोग कहते रवि भाई उज्जीवन का आईपीओ आया लूं क्या? मैंने कहा कि इसे सब पैसे को कहीं डाल दे, कूड़े में डाल दे। तो लोग कहते रवि तुम कमा लियो, 547 से स्टॉक का प्राइस 138 आया हुआ सिर्फ डेली चार्ट पे। आपको अपना पैसा जलाने का शौक है आप जलाइए, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवन, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, दिस इज योर पर्सनल थिंग, आई कांट। जब तक स्टॉक का प्राइस 3 साल से बनी है, अगर आप बात करते जोमेटो की, जोमेटो बहुत पैसा कमा के दिया, अभी तो इसको अपनी खुद की दिशा और दशा का पता नहीं है, तो हमें और आपको क्या कमा के देगा? दिस इज द चार्ट ऑफ जोमेटो, ये क्यों ऊपर जाता है क्यों नीचे आता है अभी इसे खुद नहीं पता। तो आपको ट्रेडिंग में एक चीज 100% क्लियर रखना है कि भाई अभी आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, इसके पास अभी वीकली चार्ट नहीं है, डेली चार्ट नहीं है, तो जब चार्ट ही नहीं है तो आप उस स्टॉक में ट्रेड कैसे कर सकते हैं? और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने सारे पैसे को रिस्क पे डाल रहे हैं, सो दैट इज योर पर्सनल थिंग। मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा, नेवर ट्रेड इन ए न्यूज बेस्ड स्टॉक, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे स्टॉक्स हो, न्यूज बेस्ड स्टॉक पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आपको याद नहीं होगा, मुझे सब कुछ याद रहता है। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, और निफ्टी का सबसे जो बड़ा कैंडल बना आज तक, सबसे जो बड़ा निफ्टी का मूवमेंट हुआ है, वो उस कैंडल को हम लोग बोलते हैं निर्मला सीतारमन कैंडल। आप बोलते हैं क्या बात रही भाई, निर्मला सीतारमन, व्हाट डू यू मीन बाय निर्मला सीतारमन कैंडल? इस कैंडल से बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट आज तक किसी कैंडल का नहीं हुआ, एंड दिस वाज द डेट, इस कैंडल से बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में आज तक किसी कैंडल का मूवमेंट नहीं हुआ। And this was the date of 28 September 2019. लेकिन जब मूवमेंट हुआ तो कुछ लोग गए ऊपर तक गए, और इस मूवमेंट में यहीं तक मूवमेंट क्यों हुआ? साइंटिफिक बातें, बकवास बातें मुझे नहीं समझ में आती ना, सुनाई देती, मैं साइंस की बात करूंगा। बिकॉज यहाँ पे एक ही चीज था, अरे बदमाशों देखो यहाँ पे रैली बोरिंग का पैटर्न बना था, तो P4 पगला लेके गए, P4 प्रोफेशनल ने शॉर्ट किया। यू विल हैव टू ट्रेन योर आईज, हर दिन सिस्टमेटिक नॉलेज हम आपको नहीं देंगे, हम कुछ
नॉलेज आपको सिस्टम से हटके भी देंगे। आज का हमारा जो क्लास था ये सिस्टमेटिक बिल्कुल नहीं था, और हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिस्टमेटिक हर चीज ना चले। हम चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई डू हैव। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आ पाएगा तो इसके मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद इन रवि आर कुमार। लास्ट क्लास में हमने कुछ कमिट किया था, वो हम आपको नहीं भेज पाए, आज आपको सारा चला जाएगा, हमारे हमारी टेक्निकल टीम्स नहीं भेज पाई। और एक चीज, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और आप एक मिनट के चार्ट पे जाइए किसी भी ट्रेड में, और इस पेपर ट्रेडिंग को आप एक्टिवेट कीजिए। हियर यू मूव ट्रेडिंग पैनल एंड कनेक्ट टू पेपर ट्रेडिंग, इसे आप एक्टिवेट कीजिए। आप इवेल्युएट कीजिए कि आप ट्रेडिंग में कितने अच्छे हैं, और ये इवेल्युएशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। ट्रेडिंग में जरूरी नहीं कि आपको पहले पैसा लगा दीजिए, हाँ जी अब बताओ, नहीं, पहले आपको इवेल्युएट करना है दैट हाउ गुड यू आर ट्रेडिंग, देन यू हैव टू मूव ऑन। क्योंकि जहाज एक बार उड़ाने के बाद अगर लैंडिंग प्रॉपर नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। हम चाहते हैं कि आप सही से चले। सो मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। और जब तक आप प्रॉफिट की बातें करेंगे तब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ दिन के लिए मुझे छोटा भाई मान लीजिए, आप बड़े भाई मानिए बनिए, मुझे अपना बेटा मान लीजिए, कुछ दिन के लिए मेरी बातों को आप मानिए। अभी आप अगर कोई प्रॉफिटेबल रास्ता ट्रेड कर रहे हैं कीजिए, नहीं है पहले इस जोन पे कमांड बनाइए। और आपका पहला एक काम है ट्रेन योर आइज एंड ट्रेन योर ब्रेन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल एंजॉयड। मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट में क्यों बोलता हूँ, और मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट, तो सामने वाला तो आके आसान बना नहीं देगा। सो मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। सुपर्णा आर यू देयर, सुपर्णा गुप्ता, सुपर्णा गुप्ता, आई थिंक शी इज नॉट देयर। So you will have to become 100% process oriented. जो भी आपका ट्रेड है उसे आप ग्रुप में डालिए, कल फ्राइडे सैटरडे कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर क्वेश्चन आंसर एक दिन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र पटेल साहब को टेलीग्राम में ऐड करना है। राजेंद्र पटेल साहब, आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे अभिषेक को बोल दीजिए, he will add you. So, thank you very much. Thank you very much. Take care.